7। एक थोक विक्रेता अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ऊपर रखता है तथा उन्हें 20% बट्टा पर बेचता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1,100 रुपया हो तो थोक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? तो सबसे पहले हम लिख लेंगे वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना। वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1,100 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 1,100 रुपया। और क्या दिया हुआ है? तो कह रहा है कि वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ऊपर रखता है। तो अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, यानी वस्तु का अंकित मूल्य, तो लिखेंगे अंकित मूल्य बराबर 1,100 जोड़ 1,100 का 20% तो क्रय मूल्य से 20% ऊपर रखता है अंकित मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना है 1,100। तो 1,100 का 20% निकाल करके 1,100 में जोड़ देंगे तो निकल जाएगा अंकित मूल्य। तो 1,100 जोड़ 1,100 का मतलब होता है गुना, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, ठीक है। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 लिख लेंगे। देखिए 1,00 से 1,00 कट गया, 1,00 से 1,00 कट गया, तो 1,100 जोड़ 110 गुना 2 कितना हो गया 220, यानी 1,100 का 20% कितना होगा 220 रुपया। तो 220 रुपया ज़्यादा रखता है, यानी क्रय मूल्य से अंकित मूल्य को 220 रुपया ज़्यादा रखता है, ठीक है। अब 220 इसमें जोड़ देंगे 1,100 में, तो 1,100 में 220 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1,320 रुपया। कितना होगा 1,320 रुपया, यानी 1,320। तो अंकित मूल्य ज्ञात हो गया है। अब कह रहा है तथा उन्हें 20% बट्टा पर बेचता है। देखिए बट्टा दर दिया हुआ है, बट्टा दर कितना है 20%, तो बट्टा राशि निकाल लेंगे। तो लिखेंगे बट्टा राशि बराबर, तो बट्टा राशि बराबर होता है, तो बट्टा राशि निकालने का सूत्र होता है अंकित मूल्य गुना बट्टा दर, अंकित मूल्य गुना बट्टा दर बटा 100। तो अंकित मूल्य कितना आया है 1,320, बट्टा दर कितना दिया हुआ है, देखिए बट्टा दर दिया हुआ है 20%, ठीक है। तो बट्टा दर की जगह पे 20 लिख लेंगे और बटा 100 करेंगे। तो बट्टा दर प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए प्रश्न में देखिए बट्टा दर 20% दिया हुआ है, ठीक है। तो बट्टा दर की जगह पे 20 लिख लेंगे। तो कह रहा है कि वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ऊपर रखता है तथा उन्हें 20% बट्टा पर बेचता है, ठीक है। तो बट्टा दर कितना है 20%, क्योंकि 20% बट्टा पर बेच रहा है, तो बट्टा दर की जगह पे 20 लिख लेंगे। 1,00 से 1,00 काट दिए, 1,00 से 1,00 कितना आ गया 132 गुना 2, यानी 264, 264 रुपया। तो बट्टा राशि यानी बट्टा कितना दे रहा है उस वस्तु पे 264 रुपया। तो अब हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा राशि।
विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस बट्टा राशि। तो अंकित मूल्य कितना है, 1320। तो 1320 में से 264 घटा देंगे तो आ जाएगा विक्रय मूल्य, तो आ गया 1056 रुपया। यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1056 रुपया। अब कह रहा है थोक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 1056 रुपया, और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ था, 1100 रुपया। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ था 1100, और विक्रय मूल्य कितना आ गया है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया 1056 रुपया। यानी उसको हानि हो रहा है क्योंकि 1100 रुपया में खरीद रहा है और बेच रहा है 1056 रुपया में, तो उसको घाटा होगा। तो लिखेंगे हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो क्रय मूल्य कितना है, 1100, विक्रय मूल्य है 1056। तो 1100 में से 1056 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 44। यानी 44 रुपया उसको हानि हो रहा है। कितना हानि हो रहा है, 44 रुपया। उस वस्तु को खरीद करके बेचने में कितना हानि हो रहा है, 44 रुपया। अब निकाल देंगे हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत निकालने का सूत्र होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि कितना हो रहा है, 44 रुपया। क्रय मूल्य कितना है, 1100, गुना 100 कर देंगे। 20 से 20 कट गया, 11 चौक 44, यानी 4%। तो इसका उत्तर कितना होगा, 4%। तो पूछ रहा है थोक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो थोक विक्रेता को 4% का हानि होगा। तो पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य दिया हुआ है तो अंकित मूल्य ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बट्टा राशि ज्ञात कर लेंगे क्योंकि बट्टा दर दिया हुआ है। उसके बाद विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, उसके बाद हानि और फिर हानि प्रतिशत।